top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. कई टीवी चैनलों पर इसकी पड़ताल करके लाइव टेलीकास्ट किया गया था कि किस प्रकार से 8 वर्ष के बच्चे को वृद्धावस्था की पेंशन दी जा रही है। मल्टीपल केसेस थे जहां पे क्लियरली एविडेंट पाया गया कि गलत लोगों को, अपने लोगों को, भाई को, भतीजे को, रिश्तेदार को, दोस्त को अलग अलग कैटेगरीज में पेंशन देके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा लगभग एक दशक से लगातार किया जा रहा है। और यह कतई नहीं हो सकता यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी इसका हिस्सा न पहुंचता, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लूट खसोट मची हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 2400 करोड़ रुपए के आसपास प्रतिवर्ष की पेंशन होती है तीनों एमसीडीज को मिलाकर। लगभग 10 वर्षों से भाजपा एमसीडी को अगर चला रही है तो इस हिसाब से यह अंकगणित लगभग 2400 करोड़ रुपए का हो जाता है। और हर जगह यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार। हम आम आदमी हैं, हमारे पास संसाधन सीमित हैं, तब भी हमने एक वार्ड का पालन, विधानसभा के वार्ड का एक एक पेंशन रिसीवर का डेटा निकाल के आरटीआई लगा के घर घर जाके डोर टू डोर इसका वेरिफिकेशन किया और बताया कि लगभग 600 के आसपास फर्जी पेंशन इसमें बनी हुई। लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर एक एक पेंशन को वेरीफाई कर पाना, इन्वेस्टिगेट करना, इस फर्जीवाड़ी की धर पकड़ करना, या आम आदमी होने के नाते, सीमित संसाधन होने के नाते हमारे बस की बात नहीं।